जो मॉडर्न मेडिसिन है वो मॉडर्न मेडिसिन की ये लिमिटेशन, जो भी उनकी किताबें हैं उसमें नंबर वन जो कॉजेशंस में लिखा रहता है, जहां भी एटियोलॉजी या कॉजेशन लिखा रहता है, उसमें जिसमें नंबर वन जो लिखा रहता है वो है अननोन एटियोलॉजी। वो अननोन एटियोलॉजी, और ज्यादातर क्योंकि आप देखेंगे बीमारी का जो ट्रीटमेंट होता है जिसमें शुरुआत करते हैं, मान लीजिए एक पेशेंट आया, आई टेल यू माई मदर्स केस, तो आप समझेंगे कि अभी मॉडर्न मेडिसिन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मेरे घर में बहुत लोग डॉक्टर हैं, हमारी बड़ी फैमिली है और उसमें बहुत लोग डॉक्टर हैं, होम्योपैथ भी हैं, एलोपैथ भी हैं, और सब हम लोग उस वक्त साथ में रहते थे, वो लोग पढ़ाई कर रहे थे भाई लोग, और बाबूजी डॉक्टर थे, मैं डॉक्टर और बाकी लोग पढ़ रहे थे, बट फाइनल ईयर इंटर्नशिप एमडी इस स्टेज पे। एक दिन मैं कॉलेज से लौट के आया तो माँ को देखा ऐसे मुंह पे कपड़ा रखी हुई। तो जैसा सिस्टम है ज्यादातर घरों में है कि आए थोड़ा 5 मिनट माँ के पास बैठे, बात किए, देन यू कैरी ऑन विथ योर वर्क। तो मैं माँ के पास बैठा तो माँ ऐसा वो कपड़ा जो मुंह पे रखी थी वो हटाई और रोने लगी। माँ का मुंह पूरा ऐसा टेढ़ा हो गया, ऐसा टेढ़ा हो गया था, माँ रोने लगी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए पर उस वक्त मुझे जोर से हंसी आई। हम बोले ये क्या हो गया, तो माँ गुस्सा हो गई, तो दिख रहा है बात साफ नहीं आ रहा था, और फिर माँ भी हंसने लगी। तो यू नो बेल्स पॉलिसी और बेल्स पॉलिसी के मेडिसिन वो सब किया गया, मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ, वो सब किया गया। और उसके बाद फिर बाबूजी भी ट्रीटमेंट दिए, वो ज़्यादा दवा नहीं दिए पर हम लोग जो दवा दिए उसे एग्री कर रहे थे। तब तक हमारे एक भाई इंटर्नशिप कर रहे थे मेडिकल कॉलेज में, वो रात को आए, वो आए तो एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनके पास लेके गए, वो न्यूरोलॉजिस्ट की 3 लाइन में डिग्रियाँ हैं, वेरी सीनियर सर, और उनके यहाँ घड़ी देखने का, उस वक्त मैं आज से करीब 15-20 साल की बात कर रहा हूँ, 15 साल तो एटलीस्ट, उस वक्त उनके यहाँ घड़ी का टाइम पूछने का भी 500 रुपया लगता था। आप एंटर करें तो पहले नाम लिखवाइए, 500 रुपया देना, कुछ भी करना है फॉलो अप, जस्ट ये कहना है कि डॉक्टर साहब दवा खा के अच्छे हैं तो 500 रुपये। तो उनके यहाँ हम लोग गए, और मैं नहीं गया, भाई लेके गया, और साथ में एक और हमारे भाई हैं वो भी गए थे। घर आके पता चला कि वहां पे जाते ही डॉक्टर साहब बोले कि अरे अभिषेक जिंदा है, अभी लेके जाओ, आईडी हॉस्पिटल है इन्फेक्शियस डिजीज की, वहां लेके जाओ, अगर सुबह तक सरवाइव करे तो सुबह में लेके जाओ। तो भाई गुस्सा हो गया कि सर हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस स्पेशली इन फ्रंट ऑफ पेशेंट। तो दे हैड एन आर्गुमेंट, हीटेड आर्गुमेंट, एंड अल्टीमेटली भाई केम बैक, और जवानी में जैसा होता है कि मैं केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये सब गुस्सा हुआ, और सर ने बताया कि ये लोकलाइज्ड टीटनस है। और हम लोग उस नेट नया नया शुरुआत हुआ था तो उस पर खोजे तो लोकलाइज्ड टीटनस इतना सा नेट पे, हैरिसन में इतना सा, कहीं कुछ इंफॉर्मेशन ही ना मिले। अब हम लोग रात यू नो अगर डॉक्टर कह दे कि रात में अगर बच जाए तो सुबह में लेके जाना, और माँ तो क्या कंडीशन होती है, तो वी वर ऑल वरीड। खैर हम लोग आईडी में नहीं लेके गए, और डॉक्टर के पास लेके गए, यहाँ वहाँ एवरीबॉडी क्या ये टेस्ट वो टेस्ट, सबसे हम लोग पूछते थे कि सर व्हाट इज द प्रॉब्लम, बोला लेट दिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कम एंड देन यू विल नो, आप ही डॉक्टर हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कर लो। तो वो करवाए तो बोले कि सर ये नहीं आ रहा है इसमें, तो सर ऑल नॉर्मल बता रहे, बोले ठीक है देन वी हैव टू थिंक डिफरेंटली, और फिर दूसरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करके नए इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बताया। मैंने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की शुरुआत इन्वेस्टिगेशन बेस से ही होती, इन्वेस्टिगेशन करो और उसके लिए वेट करो, वो जो आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या होता है। हमारे यहाँ टाटा का कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ कैंसर हॉस्पिटल में हर पेशेंट की ये शिकायत रहती है कि 2-2 महीने तक मेरा इलाज ही नहीं हुआ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, बायोप्सीज हो रहे हैं, बायोप्सी में जो हम एक्सपेक्ट किए थे वो नहीं हो रहा है, तो रीबायोप्सी हो रहा है, FNAC हो रहा है, उसके बाद ट्रूकट बायोप्सी हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब होता रहा और 2 महीने तक माँ का फेस वैसा ही रहा, थोड़ा सा ठीक हुआ बट मोरलेस ऐसा ही रहा, बाबूजी चुपचाप देखते रहे।
फिर एक दिन जब रात में हम लोग सब बैठे थे तो बाबूजी बोले कि तुम लोग का हो गया, यू आर फॉरगेटिंग अ बेसिक थिंग कि वो तुम्हारी माँ होने के पहले मेरी पत्नी है, तो नाउ अब बंद करो, लेट मी डिसाइड क्या करना है। और कलकत्ता होम्योपैथिक कॉलेज जहाँ डॉक्टर नवीन सिंह का भी टीचर है, उस वक्त मैं भी वहाँ का एक स्टूडेंट हूँ और बाबूजी वहाँ के टीचर थे, बाद में प्रिंसिपल भी हुए। तो कलकत्ता होम्योपैथिक कॉलेज में एक डॉक्टर आसिफ बनर्जी थे और एक डॉक्टर थे, वो तीनों आदमी को घर पे दोपहर में वो लोग आए, मैं भी घर पे था। और आसिफ बनर्जी सर जो थे वो हमारे टीचर थे, बाबूजी के स्टूडेंट, वो केस टेकिंग वगैरह करके हमको पूछे कि क्या दवा दियो, तो हमने बोला था कॉस्टिकम, तो अच्छा और सर कुरारे, तो बोले अच्छा, बोले सर लेगेसिस, तो सर बोले मेरे पिताजी पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थे, एकेडमिशियन की थी वो पॉलिटिकली एक्टिव थे, आसिफ भाई जी सर को ये पसंद नहीं था, वो बोलते थे कि आप अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं। और एक स्टूडेंट जब बहुत क्लोज हो जाता है तो मुंह पे बहुत कुछ बोलने लगता है, तो आसिफ भाई जी के साथ बाबूजी के वैसे रिलेशन थे। तो फिर वो टेस्टिंग करने के बाद आसिफ भाई जी बोले कि सर का तो ठीक है, जो करते हैं वो करते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने बड़े गधे निकले हो, मैं टॉपर हूं, यूनिवर्सिटी टॉपर हूं मैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का फर्स्ट स्टूडेंट और रिकॉग्नाइज्ड में टीचर, उस वक्त उसको गधा करें और घर के सामने, घर वालों के सामने। तो मैं बोला सर क्या हो गया, बोले क्या क्या हो गया, तुमको ऑनर्स मिला है एलेंस में, ये मेट्रिया मेडिका में, तुमको सिम्टम नहीं समझ में आ रहा, बोले सर राइट साइडेड है, फेशियल पैरालिसिस है, ये है वो है, बोल के कॉस्टिकम दिया, कुछ नहीं काम किया, वी चेंज द पोटेंसिस ऑल्सो बट इट डिडंट वर्क। बोले अच्छा राइट साइडेड में कॉस्टिकम छोड़ के कोई दवा नहीं है, राइट साइडेड मेडिसिन है, तुम अपनी माँ को नहीं पहचानते हो, तुम्हारे घर में तुम बात किसकी चलती है, हम लोग 6 भाई बहन एक साथ रहते थे, हाँ बाबूजी के एक स्टूडेंट के भी 2 बच्चे, ऐसे करके सब मिला के बहुत बड़ा गैंग था। और डॉक्टर महेंद्र सिंह उस वक्त अभी जैसा होम्योपैथी डॉक्टरों का फाइनेंशियल रुतबा है उन लोगों का वैसा नहीं, सैलरीज वगैरह बहुत कम थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा थी और उनका एक अपना लाइफस्टाइल था, उसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस हमें सहलती थी, बट माँ चलाती थी, she used to run the whole show। तो बोले तू माँ को नहीं पहचानते, घर में चलता किसका है, माँ किसी और किसी की बात चलती है, और माँ को हमेशा चाय वगैरह बहुत पसंद था, अभी भी चाय बरा चल। तो पूरा वो बोलते गए एक के बाद एक सिम्टम, एंड देन आई थॉट सर बट दिस मेडिसिन इज नॉट कवरिंग द बेल्स पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस तो ये कवर नहीं कर रहा है, बाकी सब सिम्टम है। बोले फेशियल पैरालिसिस कवर नहीं कर रहा है तो तुम क्या चाहते हो, एलोपैथिक डॉक्टर हो, फेशियल पैरालिसिस पे दवा देना है, अपने आप को कह रहे हो होम्योपैथिक डॉक्टर और दवा खोज रहे हो फेशियल पैरालिसिस का। तो सर ने लाइकोपोडियम दिया, एंड माय मदर इज स्टिल क्वाइट हेल्दी एंड इट वर्क लाइक मैजिक। लोग कहते हैं होम्योपैथी में मैजिक नहीं होता है, कि तो होम्योपैथी ही है जिसमें मैजिक होता है, एंड केस वाज सो सिंपल। तो समटाइम्स व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू इज कि ये जो डिजीज के पीछे हम लोग खोजने लगते हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेन को देख के घबरा जाते हैं या मेडिसिन खोजने लगते हैं, दैट समटाइम इज वेरी मिसगाइडिंग, थिंग्स आर समटाइम्स सो ऑब्वियस कि दिखता नहीं, सो विजिबल कि दिखता नहीं,